आपने सवाल हमसे करने की कोशिश की, जब जब ये बात होती है जिस समय चर्चा होती है उस समय ये क्यों सदन छोड़कर भाग जाते हैं, इसका जवाब सब लोग के जिस समय प्रश्नकाल प्रश्नकाल ये बाधित करते हैं। पहले कहा जाता है कि जब जिसका समय जब निर्धारित है, निर्धारित समय में जब चर्चा होती है तो अपनी बात ये रखते हैं और अपनी बात रखकर फिर वॉकआउट कर जाते हैं। तो ये साफ दर्शाता है कि इनका किसी तरह से राज्य से, राज्य की जनता से किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। सदन के सीएम का कहने सदन में सीएम जवाब देंगे, सदन का सीएम का जिस दिन होता है, जिस दिन शेड्यूल्ड है उस दिन दिन भी संवेदनशील मुद्दा है, कौन संवेदनशील मुद्दा, ये किसने नियोजन नीति रद्द कराई थी, ये इसका जवाब क्यों नहीं देते हैं, ये कौन गए थे, रमेश हांसदा कौन है, इसका जवाब क्यों नहीं देते, रमेश हांसदा और इनके नेतृत्व में जाकर और जितने भी उसमें आवेदन करता है ज्यादातर यूपी के और बिहार के लोग हैं जो भी उसमें हम कोएपिलेंट है, तो ये चाहते हैं किसी तरह से नियोजन नीति लटकी रहे, राज्य के युवाओं को का नियोजन नहीं हो, जो इनकी नीति है कि हम बाहर के लोगों को लाकर यहाँ नियोजित कराएं, तो ये सारी चीजें इनके एजेंडे में है और हम जमीनी काम कर हमारे माननीय मुख्यमंत्री ये नहीं कहेंगे कि इनके बात पर आकर और यहाँ नियोजन को ठप कर दे और आज के युवा मुंह ताकते रहे तो इनकी बातों में हम इनके झांसे में नहीं बाहर नारेबाजी कर रहे विपक्ष के साथी आपके साथ ही नहीं। ये देखिए मैं भगवान भक्त कह रहा हूँ कि ये सेंट्रल एक केंद्रीय एजेंसी एक उपक्रम है, उसे जांच कराई गई, उसे ये कराया गया, सर्वे कराया गया और लगभग मुझे लगता है कि आंकड़ा पूरा नहीं लेकिन लगभग 80-90% हमारे युवा बेरोजगारों ने कहा है कि आप नियोजन नीति लाकर और एक बीच का रास्ता निकालकर आप यहाँ नियोजन शुरू करने का काम करें, वैकेंसियां निकालें और ताकि हमारे जो युवा तैयारी कर रहे हैं परीक्षाओं की वो उसमें शामिल होकर और अपनी अपना जो हक और अधिकार है उनका वो ले सके। तो इनकी बातों पर हम नियोजन नीति नहीं रोक सकते। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।